आज कहानी एक ऐसे बादशाह की जिसका जन्म शेख सलीम के आशीर्वाद से हुआ। एक ऐसा बादशाह जो शराब और सवाब के नशे में डूबा रहता था, जिसने चित्रकला से इतना अधिक प्रेम किया कि उसके शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णिम युग माना जाता है। एक ऐसा बादशाह जिसने अपने ही बेटे को अंधा करवा दिया और एक सिख गुरु को फांसी पे भी लटकाया, और इस बादशाह के एक ऐसे गलती को अंजाम दिया इसने जिसका सजा ना ही केवल उसके पूरे साम्राज्य को भुगतना पड़ा, उसके पूरे सल्तनत को भुगतना पड़ा, बल्कि पूरे भारतवर्ष को भुगतना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर दास्तां। और आज दास्तां सुनाई जाएगी आप सबों को अकबर महान के सबसे बड़े बेटे जहांगीर सलीम की। मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य और सबसे स्वर्णिम साम्राज्य में से एक है। इस साम्राज्य में कुल 21 बादशाह हुए, जिनमें से कईयों ने अपने नाम को इतिहास के सुनहरे पन्ने पर दर्ज करवाया, लेकिन कई ऐसे रह गए जो अपने नाम को इतिहास में जगह नहीं दे पाए। इन्हीं सभी बादशाहों के बीच में से एक ऐसा भी बादशाह है जिसके बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं, और उन सभी बातों के मद्देनजर उन सबों से रूबरू होते हुए आज हम उस बादशाह के जीवन के बारे में थोड़ा और अधिक जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सलीम का जन्म 31 अक्टूबर 1559 को शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है। दरअसल अकबर के संतान की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, और कहा जाता है कि अकबर उस वक्त के सबसे मशहूर शेख सलीम चिश्ती से जाके विनती करता है, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के संतान की इच्छा पूरी होती है, और इसी वजह से अकबर अपने बेटे का नाम शेख के नाम पर सलीम ही रख डालता है। ये सलीम अकबर का बेटा था। धीरे धीरे कारवां बढ़ता है, ये सलीम बड़ा होता है और जहांगीर नाम के उपाधि के साथ ये 3 नवंबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है, मुगल सल्तनत के तख्त-ओ-ताज को संभालता है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ये शेख सलीम जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जहांगीर नाम रखा, उसके पीछे कारण ये था कि जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया जीतने वाला। यह और बात है कि वो दुनिया नहीं जीत पाया, भारत में ही हुकूमत उसका सिमटता रह गया, लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, जो सबसे अनोखा कह सकते हो बुराई या खूबी वो आप निर्धारित करना, कमेंट में बताना। इस सलीम का यानी जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि ये 22 साल तक मुगल तख्त पर बैठा और हुकूमत किया, जिसमें उसने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही किया, लेकिन वो शराब और सवाब के नशे में डूबे रहने वाला व्यक्ति था। वो जितना पोटेंशियल था जिसका वो इस्तेमाल कर सकता था, उस मुकाबले काफी कम किया। करने का तो वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन किया उस मुकाबले काफी कम। वो चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था, चित्रकारी उसे बहुत पसंद था। अपने पूरे दरबार में कई सारे चित्रकारियों से वो भर रखा था। कुछ चित्रकार उसके दरबार में काफी पैसे बटोर चुके थे। वो इतना अधिक उसे चित्रकारी पसंद था कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। अब बात करें जहांगीर के पारिवारिक संबंधों के बारे में, तो इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि अकबर और जहांगीर के बीच का संबंध कुछ खास नहीं था। एक कहानी तो अनारकली से भी संबंधित है कि सलीम को अनारकली से मोहब्बत था, अनारकली मुगल दरबार की एक नृत्यांगना थी, और इसके एवज में अकबर अनारकली को चुनवा देते हैं। इस कहानी का कोई पुख्ता सबूत तो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, कुछ का कहना सत्य है, कुछ का कहना क्या अफवाह है, जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि अकबर और सलीम के बीच का संबंध कुछ खासा बेहतर नहीं था। इसका हमें ऐसे पता चलता है
कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अबुल फजल, जो अकबर के खासम खास हुआ करते थे। जहांगीर अबुल फजल का हत्या करवा दिया था। जहांगीर इस बात को कबूल भी करता है और अपने वो कई सारे रचनाओं में लिखता है, इस बात का जिक्र करता है कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर अबुल फजल रहता तो मैं कभी बादशाह नहीं बन पाता और इसी वजह से मैंने उसका हत्या करवा दिया। और केवल हत्या ही नहीं करवाया जहांगीर, बसरते उसे भरी दरबार में इस बात को कबूल भी किया कि हां मैंने अबुल फजल का हत्या करवाया है। यह भी एक कारण था अकबर और जहांगीर के बीच के मनमुटाव का। कहा जाता है कि जहांगीर मस्तमौला व्यक्ति होता था कभी तो कभी बहुत ही क्रूर बन जाता था। और इस बात का प्रमाण मिलता है ऐसे कि जहांगीर अपने ही बेटे खुसरो को अंधा करवा देता है। जहांगीर जो कि अकबर और हरका बाई का बेटा था। जहांगीर के बाकी व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कई बादशाहों की तरह उसकी भी कई सारी पत्नियां थी, कई सारी रानियां थी। तो लेकिन जहांगीर के जीवन में एक ऐसी रानी थी जिसका कहानी बड़ा प्रचलित है, वो थी नूरजहां। जहांगीर और नूरजहां का प्रेम कहानी। जहांगीर 1585 में मानवाई से निकाह किया। मानवाई जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और जिससे उसे संतान जो प्राप्ति हुई वो था खुसरो, जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा। दूसरा निकाह जगत गोसाई से करता है जिससे संतान हुआ खुर्रम। और तीसरा निकाह 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरू निशा से किया जिसे नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है जहांगीर जब पहली बार नूर जहां को देखा तो उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया। ये नूर जहां एक विधवा थी। जहांगीर उससे निकाह कर लेता है और उसे नूर जहां की उपाधि देता है। इतिहास का कहना है कि नूर जहां ना ही केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपने काबिलियत बोल लो या षड्यंत्र बोल लो, इसके लिए भी इतिहास में जानी जाती है। नूर जहां के बारे में कहा जाता है कि ब्यूटी विथ ब्रेन, जितनी अधिक खूबसूरत उतनी अधिक चालबाज और उतनी अधिक चालाक। इतिहास में और एक घटना है जिसकी वजह से हमें जहांगीर को याद रखना चाहिए और वो घटना है अंग्रेजों के भारत को गुलाम बनाने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जहांगीर ने ही अंग्रेजों को कह करके भारत को गुलाम बनवा दिया, लेकिन जहांगीर का एक गलती जो बहुत भारी पड़ गया इस मुल्क के लिए। अंग्रेज उसी के दौर में भारत आए थे व्यापार करने, जहांगीर से अनुमति मांगे। जहांगीर का पुर्तगालियों से युद्ध चलता था, झगड़ा चलता था, नापसंद करते थे। वो देखें कि ये अंग्रेज पुर्तगालियों पर हावी हैं और बोले कि दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र होता है, ये सोचकर वो अंग्रेजों को मित्र बनाए। अंग्रेजों को ना ही केवल व्यापार करने का अधिकार दिए, इसके अलावा कई सारे वो अधिकार भी देना शुरू कर दिए जो एक राजा के लिए और एक राज्य के लिए बिल्कुल ही हानिकारक हो सकता है। जहांगीर उन्हें व्यापार का भी अधिकार दिए और व्यापार करने के साथ साथ अपने इलाके पर किला बनाने का भी अधिकार दे दिए। वो किला तो केवल राजाओं का होता है, किसी व्यापारी का किला ये कैसे, लेकिन अंग्रेजों को ये अधिकार मिला हुआ था और अंग्रेज इसका भरपूर फायदा उठाए। जब अंग्रेज भारत आए तो जहांगीर उसे ना ही केवल व्यापार करने दिए बल्कि व्यापार करने के साथ साथ मनसबदारी भी देने लगे। अंग्रेजों को दिखा जब हम राजा बन सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं, तो अपने फायदे के अनुसार व्यापार कर सकते हैं और व्यापार का नियम भी बना सकते हैं। और इसी कारण बस ये अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और शासक बनकर चले गए। ये वो पहला गलती था जहांगीर का जिसने अंग्रेजों का मन बढ़ाया और अंग्रेजों को भारत को गुलाम बनाने तक का एक कहीं ना कहीं ज्ञान दे दिया। अंग्रेज व्यापार का परमिशन मांगे, आपको व्यापार देना था, आपने दिया उन्हें व्यापार के साथ साथ मनसबदार, और यहीं पर से गलती शुरू होता है। और ये गलती इतना भारी पड़ा कि पूरा का पूरा मुगल सल्तनत ही बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें केवल अंग्रेजों का ही दोष नहीं, इसमें गलती मुगल सल्तनत की आने वाली पीढ़ियों का भी है, क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़ने लगे सत्ता के लालच में। शाहजहां के मृत्यु के बाद जो शाहजहां के चार संतान थे वो सारे आपस में भिड़ गए सत्ता के लालच में। और उसके बाद तो जैसे कत्लेआम का सीरीज ही शुरू हो गया, जो भी व्यक्ति गद्दी पर बैठता
उसके प्रतिद्वंदी उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का भाई हो जाता। और यहां पर वो दौर आ चुका था जब भाई भाई का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, सब एक दूसरे पर मारने काटने पर पड़े हुए थे, बस एकमात्र लालच और वो था सत्ता, वो था ताकत और वो था गद्दी। ये सल्तनत और शासक का जो नशा होता है ये दुनिया का सबसे खतरनाक नशा होता है, क्योंकि इस नशा में इंसान को उस ताकत के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो कहा जाता है कि जितना भी नशा होता है दुनिया में उसमें सबसे खतरनाक अगर कोई नशा है तो वो ताकत का नशा है। और ये शब्द ये वाक्य उस वक्त भी प्रासंगिक थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आखिरकार जहांगीर को दम्मे की बीमारी होती है जिस कारण उसका स्थिति और गंभीर होने लगता है। और आगे जाकर के कुछ ही समय बाद 26 अक्टूबर 1627 को लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके शव को लाहौर में दफना दिया जाता है और इसके बाद नूरजहां लाहौर में ही जहांगीर का मकबरा बनवाती है और खुर्रम यानी शाहजहां को मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह घोषित कर दिया जाता है।